प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 फरवरी को अल्प प्रवास पर ग्वालियर आ रहे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक वे दोपहर 12 बजे वायुसेना के विशेष विमान से महाराजपुरा स्थित भारतीय वायुसेना के एयरवेज पर उतरेंगे। यहां 5 मिनट रुकने के बाद हेलीकॉप्टर से झांसी के लिए रवाना हो जाएंगे। विमानतल पर वरिष्ठ अधिकारियों और चुनिंदा जनप्रतिनिधियों से सौजन्य भेंट भी होगी। आईजी राजा बाबू सिंह ने इस संबंध में शुक्रवार को एसपी ऑफिस में जिले के सभी आला पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और पीएम की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में ग्वालियर डीआईजी एसपी सहित सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो कल का कार्यक्रम है उसको देखते हुए आज जो बैठक रखी गई थी आईजी सर द्वारा, उसमें हमारे काफी संख्या में एडिशनल एसपी साहिबान, एसडीपी और टीआई साहिबान शामिल हुए थे और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किस प्रकार से किए जाएंगे, फोर्थ डिप्लॉयमेंट कहां पर होगा, प्रभारी अधिकारी कौन कहां रहेगा, इस विषय में विस्तार से सबको अभी समझाइश दी गई है। और इसके अलावा अभी सब लोग अपने अपने कार्यस्थल देखने गए हुए हैं जिससे कि तैयारियां अपनी पूर्ण कर सकें। वैलेंटाइन डे पर यहां प्रेमी प्रेमिका अपने प्यार का इजहार कर रही है, वहीं पुलिस भी इनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और होटल, रेस्टोरेंट और मॉल सहित सार्वजनिक पार्कों में विशेष निगरानी रखी जा रही है जिससे कि हिंदूवादी संगठनों द्वारा इनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जा सके और पूर्व की घटनाओं को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर आ रही है, जिसके लिए फूलबाग, ग्वालियर फोर्ट, बारादरी, जल विहार स्थित पार्कों पर महिला पुलिस भी तैनात रही। वहीं वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में शहर में फूल और गिफ्ट की दुकानों पर ग्राहकों की खासी भीड़ भी देखी गई। जो पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं वो सभी उनको ऐसे स्थल को कवर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और सभी सुरक्षा व्यवस्था जो थाना प्रभारी हैं साथ में उनके जो पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं वो अलर्ट पर हैं। थानों से अलग अलग मोबाइल पार्टी लगी हुई हैं और सभी जगह चौकन्नी है। जेसीआई तेजस्वनी द्वारा गुरुवार को मेला परिसर स्थित मृगनयनी गार्डन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित हुए इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में पहुंची जेसीआई महिलाओं द्वारा इन अन्य सदस्यों ने जरूरतमंदों के लिए 30 यूनिट ब्लड डोनेट किया। ये जेसीआई ग्वालियर तेजस्वनी की ओर से कैंप लगाया गया है और हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को इसके प्रति अवेयर करना। 30 यूनिट हम तक अब तक डोनेट कर चुके हैं और क्योंकि सारे तरह के दान हम करते हैं, सब चीज़ आप बाजार से खरीद सकते, ब्लड है जो नहीं मिलता है, ऐसा हमारी संस्था ने सोचा। वैलेंटाइन डे को स्पेशल बनाने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय दीपी गुप्ता जी हैं, उनका विशेष ये सपना था कि इस दिन को हम कुछ अलग तरीके से मनाएं, लोगों को कुछ हम संदेश दें कि वैलेंटाइन डे सिर्फ एक ही चीज़ के लिए नहीं होता, मौज मस्ती करने के लिए, कुछ समाज में अच्छी सोच देने के लिए भी होता है। इसलिए हमने आज का विशेष दिन इसलिए चुना हमारे प्रेसिडेंट ने।